दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था और जिसमें मैं दिखाया था प्लैटिनम चिप डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करके, और उसके बाद और एक वीडियो बनाया था कि प्लैटिनम कार्ड जो पीएनबी का एटीएम कार्ड है उसका बेनिफिट क्या क्या है। तो इन दोनों वीडियो में मुझे सारा कमेंट मिला है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो डेबिट कार्ड मुझे मिला है उसको मिलने में मुझे कितना टाइम लगा है अकाउंट ओपनिंग के बाद। तो इस वीडियो का टॉपिक यही है कि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट मैंने कैसे खोला था और फिर कितने दिन बाद मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड आया है। तो ये दोनों चीज को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये जो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है इसको ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के मदद से खोले थे, और ये जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो आप अपना फोन से ही कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑफिशियल साइट है उसमें जाकर आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के अंदर वीडियो केवाईसी अकाउंट है उसमें आप जाके ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच होना मैंडेटरी है, आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप ओपन कर सकते हैं, आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। वीडियो केवाईसी के मदद से आपको ब्रांच विजिट करना भी नहीं पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग होने के कितने दिन बाद मुझे एटीएम कार्ड मिला है और आपको कितना दिन बाद मिलेगा, तो ये बहुत ही खराब सर्विस है पीएनबी की तरफ से, क्योंकि मैंने जो अकाउंट ओपन किया था 15 मार्च 2022 में किया था, और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, मेरे पास मेल आया था और मेल आप देख सकते हैं इसका डेट क्या है, डेट है 15 मार्च 2022। तो यानी मेरा जो एटीएम कार्ड है उसको आने में लगभग 10 मंथ्स लग गए, यानी 10 महीना लग गया मेरे पास एटीएम कार्ड आने में। तो आप सोच सकते हैं कितना घटिया सर सर्विस है पीएनबी की तरफ से। और उसके बाद ही मैंने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया और उसका बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दिया, और उसको एक्टिव कैसे कर पाएंगे, पिन जनरेशन कैसे कर पाएंगे उसका भी वीडियो मैंने बना दिया। अगर आपको किसी तरह का कोई इश्यूज आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो उम्मीद है इस वीडियो में आपका जो भी सवाल था उसका आंसर मैंने दे दिया। तो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैंने रेगुलर बेसिस में पीएनबी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो में आगे भी लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।